एपका मुलाजमीन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुजाकरात कामयाब। हाजी इरशाद ग्रुप का सेक्रेटेरिएट चौक में 6 घंटे से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7.5% इजाफा और अपग्रेडेशन की जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की यकीन दहानी। मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए समरी इरसाल कर दी गई। एपका मरकजी सत्र। जौहर टाउन और टाउनशिप में जमीनों पर कब्जे का मामला। कब्जा माफिया के सरगना मंचा बम और बेटे आसिम मंचा का 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमों से 1 करोड़ मालियत के जेवरात, 42 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 5 किस्म का असलहा भी बरामद किया गया। तफ्तीशी अफसर का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बयान। पंजाब भर में गिरफ्तारियों के मामले पर अहम पेशरफ्त। 1488 गिरफ्तार अफराद में से 639 अफराद को रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए अफराद का तोड़फोड़ से कोई ताल्लुक नहीं। आईजी को रिपोर्ट इरसाल। पंजाब भर में 174 मुकदमात दर्ज, 849 अफराद गिरफ्तार हैं। रिपोर्ट का मतलब। और सब्जाजार में नीम पागल नौजवान की हलाकत। पुलिस पेटी भाइयों को बचाने के लिए हकायक छुपाने लगी। लवाहिकीन को मकतूल उमैर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फराहम ना की। लवाहिकीन इंसाफ मिलने के मुंतजर। पुलिस ने मकतूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामला रफा दफा कर दिया।